वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवत्यै नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रियाद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत्य श्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत्य श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं जताजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हाँ, किसने प्रभुपाद को प्रश्न किया, जेखाने भक्तगण थाके सेखानकार सकल लोग भाल है ना केना, कहते जहाँ पर भक्त लोग रहते हैं वहाँ के सब लोग अच्छे क्यों नहीं होते, कुछ गड़बड़ क्यों होता है, कुछ गड़बड़ लोग क्यों रहते हैं वहाँ पर, सबके सब अच्छे लोग क्यों नहीं रहते हैं? ये करोड़ रुपया की प्रश्न है। इसलिए प्रभुपाद देखो क्या उत्तर देते हैं। बोले जेखाने आलोक सेखाने अंधकार थाके ना सत्य, कहते जहाँ पर आलोक होता है लाइट होता है वहाँ पर अंधकार नहीं रहता, ये सच बात है। लाइट रहेगा स्वाभाविक रूप में अंधकार वहाँ दूर हो जाएगा, फिर वहाँ पर सब लोग अच्छे क्यों नहीं होते हैं? किंतु आलोर नीचे ही अंधकार होता है, इसलिए जहाँ आलोक ना कोई दिया जलाओ, अब देखना दिया जहाँ जलाओगे हाँ, अगर दिया जलेगी यहाँ पर दिया जलाओ यहाँ पर देखोगे उसको नीचे देखोगे अंधकार है, दिया को नीचे अंधेरा रहता है स्वाभाविक रूप में। कहते कारण क्या है, कहते इसका क्या कारण है, जहाँ दिया जलती है उसके लिए नीचे अंधकार क्यों रहता है, उसका कारण कहते हैं जेखाने आलोक सेखाने किछु ना किछु अंधकार, जहाँ पर आलोक रहता है वहाँ पर कुछ ना कुछ अंधकार होता है। जेखाने पुण्य सेखाने ही अपाश्रित भावे किछु ना किछु पाप थाकर आवश्यकता अच्छे, कहते जहाँ पर पुण्य है हैं, जहाँ पर पुण्य है वहाँ कुछ ना कुछ पाप रहना जरूरी है। बोले क्यों जरूरी है, बोले कारण है अंधकार नाथा के लिए आलोक कर उज्ज्वल बाढ़े ना, बुझते बच्चे। कहते अगर अंधकार नहीं रहेगा ना आलोक का जो महत्व है कब है, तब अंधकार जब अंधकार रहेगा, जब अंधकार रहेगा, अगर अंधकार नहीं रहेगा तो आलोक का कोई महत्व नहीं देगा। कहते जहाँ जहाँ पुण्य नहीं रहेगा, जहाँ पाप नहीं रहेगा वो पुण्य का कोई महत्व नहीं देंगे। हम लोग कहते ना अरे ये व्यक्ति बड़े पुण्यात्मा है, ये व्यक्ति बहुत अच्छे, बहुत अच्छा का हुआ, कोई जब बुरा होगा जब कोई चीज बुरा होगा तब तो उसका अच्छा। महत्व समझेंगे, तब तो बोलेंगे भाई यहाँ पर हैं, यहाँ पर ये बड़े बड़े महत्वपूर्ण ये बड़े पुण्यात्मा है, अगर पाप नहीं रहेगा पुण्यात्मा का कोई महत्व ही नहीं रहेगा पुण्यात्मा। इसलिए
अंधकार नहीं रहेगा तो आलोक का महत्व नहीं बढ़ेगा। इसलिए मूर्खता अच्छे बोली आई पांडित्य रो उपयोगिता बहुत है। कुछ मूर्ख लोग है तभी ये पांडित्य का कुछ उपयोगिता है, बोध होता है। भैया ये व्यक्ति बड़ा मूर्ख है आदमी, लेकिन एक व्यक्ति विद्वान है, अगर वहाँ सभी सभी विद्वान होंगे ना, फिर तो विद्वता का कोई महत्व नहीं देंगे। वहां पर कोई मूर्ख होगा, भैया ये मूर्खों के अंदर में ये व्यक्ति विद्वान है। अगर क्लास में अगर कोई थर्ड डिवीजन नहीं रहेगा, कोई अगर सेकंड डिवीजन नहीं रहेगा, कोई अगर फेल नहीं होगा ना, फिर फर्स्ट डिवीजन का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए प्रभुपाद कहते रहना जरूरी है, क्योंकि तभी अंधकार रहेगा तभी आलोक का महत्वता है। दुख नाथा के लिए प्रयोजनीयता उपलब्ध है ना। अगर दुख अगर नहीं रहता ना, फिर सुख का भी इतना महत्व नहीं रहता। कोई दुखी है तो उसके सुख की महत्व देते हैं, भैया ये व्यक्ति बड़ा खुशी है। अगर सभी सुखी के खुशी हो जाते फिर तो बोलेगा नहीं कि खुशी की खुशी है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हाँ, इसलिए जहाँ अंधकार वहीं पर प्रकाश का तभी उसकी महत्व है। इसलिए अंधकार का भी कहते जरूरत है, प्रभुपाद कहते अंधकार का जरूरत है। तो यहाँ पर कहते हैं उसका दूसरा प्रश्न है, आमादेर जीवन की आदर्श स्थल होगा उचित। यहाँ पर कह रहे हैं हमारा जो जीवन है, क्या कोई आदर्श स्थल होनी चाहिए हमारा जीवन? तो प्रभुपाद कहते हैं हमारे आदर्श चरित्र अन्य लोग जाते अन्य प्रकार दर्शन ना करे, तजन्य हमारा जन सर्वदा सर्वदा थकी। फिर प्रभुपाद कहते हैं हमारे आदर्श चरित्र अन्य लोग जाते अन्य प्रकार दर्शन ना करे तजन्य सर्वदा। इसलिए कहते हैं प्रश्न किया तो प्रभुपाद कहते हैं कहते अगर हमारे आदर्श जीवन नहीं रहेगा, हाँ आदर्श जीवन नहीं रहेगा तो फिर तो लोग कोई महत्व नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं पैसा लॉस होने पर कुछ लॉस होता है, कुछ लॉस होता है। और अगर कोई अगर चरित्र लस हो जाए ना, तो उसका क्या है सब गया, तो उसका सब कुछ लस हो जाता है। इसलिए कहते हैं अपना चरित्र अपना आदर्श हर समय बजाय रखने चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं सज्जन हमारा सर्वदा सतर्क थाकब, कोमल श्रद्धा गणेर प्रतिपदे विपद, तारा अंतरदर्शी नहें केवल बाह्यकृत देखी आई विचार करें। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कहते जो कोमल श्रद्धा है जिनको, कहते उनका हर समय ही विपद है। जिसका श्रद्धा पक्का श्रद्धा है ही नहीं, कहते उसको क्या है पक्का श्रद्धा नहीं, कहते प्रतिपद ही उसका विपद विपद ही है जिसको श्रद्धा पक्की नहीं। इसलिए श्रद्धा दो तरह का बताए ना, एक है कोमल श्रद्धा है और एक शास्त्रीय श्रद्धा है। इसलिए श्रद्धा हमारी पक्की होनी चाहिए श्रद्धा, नहीं तो श्रद्धा अगर पक्की नहीं होगा ना, फिर तो भक्ति भी बड़ा डामाडोल सा भक्ति, बड़ी डामाडोल सा भक्ति रहती है। इसलिए श्रद्धा हमारी एकदम पक्की रहनी चाहिए श्रद्धा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं तारा अंतरदर्शन है केवल बाह्य कृत देखिए आई विचार करें। कभी जो साधारण लोग है कभी कभी कहते ना वैष्णव चीनी किनारे देवेरे सकते, कभी कभी वैष्णव को देवता लोग भी कभी कभी पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं मुई कौन जान आई अति बुढ़म बुढ़म अति। जब देवता को वैष्णव लोग नहीं पहचान पाते हैं तब वृंदावन दास ठाकुर कहते भैया मैं तो मूढ़म अति हूँ, फिर मैं वैष्णव को कैसे पहचानूंगा, मैं तो पहचान नहीं सकता हूँ ना कि मूढ़म अति हूँ। मतलब वृंदावन दास ठाकुर हमें शिक्षा देने के लिए हमें बताते हैं। इसलिए कभी कभी वैष्णव का कोई थोड़ी बहुत चीज देख करके कभी कभी हमारी श्रद्धा बड़ी डमाडोल सा हो जाता है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते जैसे गंगा पानी है, जैसे गंगा पानी तो पवित्र है पवित्र है, लेकिन उसमें जब कीचड़ और कभी बुदबुद दिखता है,
कीचड़ को गंदा मानी गई और पानी में जो बुदबुद वो भी पाप गए, लेकिन होने पर भी जैसे गंगा पानी अपना शुद्धता को नहीं छोड़ता है। इसलिए जो भजन करने वाले जो वैष्णव लोग है कहते वो शुद्ध है, लेकिन जो साधारण लोगों का जो श्रद्धा है वो कोमल श्रद्धा होता है, वो श्रद्धा बड़े डामाडोल का श्रद्धा होता है। इसलिए कभी कभी वैष्णव का कभी कभी क्रिया मुद्रा देख करके कभी कभी लोग कभी कभी उनका मन कभी डामाडोल सा हो जाता है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हर समय हमारी जो आदर्श हर समय पक्की होनी चाहिए, अच्छी कोशिश करनी चाहिए, हम ऐसे कोई काम नहीं करें जिसको देख करके इसके मन में हमारे प्रति अश्रद्धा आ जाए। इसलिए हर समय उनको सतर्कता अवलंबन करनी चाहिए, क्योंकि जो बद्ध जीव है फिर तो उनको जो मन है वो बड़े डगमगा, उनका तो भक्ति बड़ी डगमगा हो गया भक्ति है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं तारा अंतरदर्शी नहे, कभी कभी भक्तों का जो अंतरदर्शी जो है कहते साधारण लोग तो अंतर को देखेंगे नहीं, इनका कितना निष्ठा भगवान का भगवान के प्रति ये चीज तो देखेंगे नहीं, वो लोग क्या करेंगे बाहर चीज को देख करके वो विचार करते हैं, है? वो ऐसे है वो ऐसे है वो ऐसे है वो ऐसे है, बाहर चीज को देख करके वो विचार करते हैं। इसलिए भागवत गीता में बताया अपिचेत सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितैः। इसलिए कहते अपिचेत सुदुराचार, कहते अत्यंत दुराचार होने पर भी है अगर कोई मेरे एकांत रूप एकांतिक रूप में अगर कोई मेरा भजन करता है, भगवान कहते साधुरेव समन्तव्य, भगवान कहते हैं मेरे विचार में ये साधु है, कहते ये मेरे विचार में साधु है, हैं साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित है ऐसा कहते इसी कहते इसी श्लोक को लेकर के कभी कभी स्वर्ग में कभी इस श्लोक को लेकर विचार हो रहा था, स्वर्ग लोक में बोल रहे ये विचार हो रहा था तो कहते भैया अपिचे तो सुदुराचार, भगवान कहते हैं अत्यंत दुराचारी होने पर भी भगवान कहते भैया उसको साधु माननी चाहिए, कैसे साधु माने कहते और क्या बोलते हैं वो अत्यंत दुराचारी भी है, अत्यंत वो दुराचारी भी है, कहते उसको साधु कैसे हम मान सकते हैं, लेकिन भगवान कहते मेरे विचार में साधु है, मेरे विचार में वो साधु है। इसलिए उसके बाद में कौन सा श्लोक है हाँ क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छन्त निगच्छन्ति कौन्तेय प्रतिजानी नमे भक्ता प्रसन्नः। भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा है वो जो अनन्य रूप में वो मेरी भक्ति कर रहा है वो मेरी भक्ति नहीं छोड़ रहा है, अनन्य रूप में भक्ति कर रहा है, कहते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा वो जल्दी से जल्दी वो धर्मात्मा बन जाता है, क्योंकि मेरे भक्तों का विनाश नहीं है, मेरे भक्तों का विनाश नहीं, क्योंकि ये श्लोक लेकर स्वर्ग में देवताओं को अंदर में भी ये चीज को लेकर कभी कभी विचार विमर्श हुआ, कभी जहाँ पर स्वयं शंकर जी ब्रह्मा इंद्र चंद्र सबके सब बैठे हुए थे ये श्लोक ऊपर को सही सही विचार नहीं कर पा रहे थे, फिर सोचे इसका सही सही विचार कौन दे सकता है, बोले कोई शुद्ध भक्त अगर हो भगवान का वही दे सकता है, बोले अभी कौन कहाँ, बोले मरते जगत में अभी एक शुद्ध भक्त भजन कर रहे हैं, बोले कौन, बोले भक्ति विनोद ठाकुर, श्री भक्ति विनोद ठाकुर, कहते भक्ति विनोद ठाकुर को यहाँ से खटिया से मतलब उड़ा कर ले गए स्वर्गलोक में ले गए उनको, फिर स्वर्गलोक में आकर के भक्ति विनोद ठाकुर ने फिर उन्होंने इसका विचार उन्होंने दिया है, कहते यहाँ जो बताया अपिचेत सुदुराचार भजन थे माम अनन्य भाग, वो दुराचार होने पर भी अगर अनन्य रूप में भजन कर रहा है एकांत रूप में भजन कर रहा है, अगर हमसे कोई गलती हो गई अगर वो गलती को हम प्रसय देते रहे ऐसे नहीं फिर उनका कल्याण होना कठिन है, जैसे हम कोई गलती काम कर रहे हैं अगर गलती के ऊपर हम गलती करते जा रहे हैं नहीं, अगर वो व्यक्ति कोई गलती काम हो गया अगर वो अफसोस करता है
वो अफसोस करता है, ठाकुर जी हमारी ऐसे पतन हो गया है, मेरे ठाकुर जी मेरे उद्धार करो, ठाकुर जी मेरे कृपा करो, फिर तो भगवान उसको कृपा करते हैं। लेकिन अगर कोई गलत काम कर रहा है लेकिन उसका कोई पश्चाताप नहीं, उसका कोई पश्चाताप नहीं, हमसे गलती हो गई है, कोई पश्चाताप नहीं है, फिर तो कल्याण होना कठिन है। लेकिन अगर उसको अंदर पश्चाताप है, हमसे ठाकुर जी गलती हो गई, तो गुरु जी एक कथा सुनाते थे। गुरु जी बोले, एक समय दक्षिण देश में कोई एक था ब्रह्मचारी है, कोई ब्रह्मचारी था, खूब भक्त था। एक समय वो सुंदर एक रंगनाथ जी का बगीचा थी, जिसमें तुलसी फूल होता था, रोज तुलसी फूल तोड़ करके उसको रंगनाथ जी की सेवा में लगा था, और देखने में बड़ा सुंदर था, हृष्ट पुष्ट ब्रह्मचारी। एक समय दो बहन थे, दोनों ही वेश्या, और जहाँ पर चयन कर रहा था, तुलसी चयन कर रहा था, एक दिन वो दोनों वेश्या उसको पास में होते हुए जा रहे थे। इतने में उसका जो बड़ी बहनी, दोनों ही बहनी वेश्या, वो बड़ी सुंदरी है, लेकिन बड़ी बहनी से छोटी बहनी बहुत ज़्यादा सुंदर है। जो बड़ी बहनी छोटी बहनी को कह रहे, देखो कितने सुंदर ब्रह्मचारी है, कितना पवित्र जीवन है, ठाकुर के लिए पुष्प और ठाकुर के लिए तुलसी चयन कर रहे हैं, भगवान की सेवा में देखो मुँह में भगवान का नाम ले रहे हैं, और कितने सुंदर ठाकुर की सेवा कर रहे हैं। छोटी बहन ने बोला, जाकर हम सब जानता हूँ कितने बड़ा साधु है, हाँ ये कितने बड़े साधु मैं सब जानती हूँ। बोले, नहीं तुमको पता नहीं साधु का जीवन क्या होता है। बोले, अरे सब इनको सब देखा मैंने, और तब तक साधु जब तक मेरे को नहीं देख लिया, मेरे को देख लिया ना साधु बात खत्म हो जाएगी। बोले, नहीं तू भक्त के लिए ऐसे नहीं बोल सकती हो, हाँ भक्त ऐसे नहीं होते। बोले, देख लोगे? बोले, क्या दिखाओगे तुम, क्या दिखाओगे? अभी दोनों में ना लड़ाई झगड़ा हो गया, दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया। बोले, देखोगे उसको मैं दिखा दूँ? बोले, क्या दिखाओगे? बोले, देखो उसको मैं अपना प्रेम में फंसा लूंगी। बोले, नहीं फंसा सकते। बोले, फंसा ही लूंगी। अभी लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है देख लेना तुमने। उसने क्या किया, जानबूझ करके रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी, एक पतला कपड़ा पहन करके आ गई, और जब बारिश हो ना, जो उसमें पतला कपड़े में जब बारिश गिरे शरीर में चिपक जाती है। अभी वो जानबूझ करके उसको फंसाने का चक्कर में किया कि ठीक उधर से होते हुए जा रही थी, रिमझिम बारिश हो रही थी, और जानबूझकर पछाड़ खाकर गिर गई, और बड़े जोर जोर से चिल्लाने लग गई, बचाओ कोई हो तो मेरे को बचाओ, मैं मर रही हूँ। वो पास में वो पुष्प तुलसी चयन कर रहा था, उसने देखा किसी स्त्री की गला की आवाज़ है। बोला, करने तो छोड़ो, हम साधु लोग हैं। लेकिन वो इतने जोर से चिल्लाने लग गई, चीखने लग गई, बचाओ मैं मर रही हूँ, कोई हो तो बचाओ। और संतों का जीवन भी थोड़ा उनको थोड़ा कोमल होता है, संत हृदय नवनीत समाना, इसलिए थोड़ी उनका हृदय भी थोड़ा कोमल होता है। ज्यादा जब उन्होंने कान में चित्कार आई, लगता है कोई मर जाएगी इसे, तो वो आए, आकर देखा वो बेस्या है, और गिर करके छटपट छटपट कर रही है, तो उन्होंने देखा तो मर जाएगी। फिर उन्होंने कंडा जलाए, कंडा जला करके उसको शरीर को उनने थोड़ी सी ताप दिलवाया। जो उन्होंने ताप दिलवाए, अभी एक बार उसने देखा शरीर को, ये माया बड़ा मोहिनी है, एक बार देखा, देख लिया तो उसका जो जीवन है ना, अभी वो क्या करती हैं, बोले, बाबा अगर आप नहीं होते तो मैं मर जाती, आपका धन्यवाद है आपने प्राण दान किया। तब उसने बोले, कोई बात नहीं, चली गई। वो जानबूझ कर क्या करती हैं, फिर उधर से जाती है, बोले, बाबा राम राम, बाबा राधे राधे, ऐसे करते 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 ना धीरे 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 उसका मन को अपना तरफ में धीरे धीरे खींचना शुरू कर दिया। और वो जो साधु भजन कर रहा था, उसका जो भजन था ना, हाँ उसका जो भजन था, धीरे 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 उसका भजन धीरे धीरे डाउन होते लग गया, हाँ डाउन होते लग गया। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, कहते जो माया है ना, ये सुई जैसे निकल घुसती है, जो निकलती है ना फाल बन कर निकलती है, हाँ? इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, सनई 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 सन, धीरे 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 ये माया धीरे 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 हृदय में धीरे धीरे ये माया प्रवेश करती है। उसको पता नहीं चलता कैसे धीरे 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 ये माया हमारे अंदर में कैसे घुस गई, और वो फाल बन करके बाद में निकलती है।
ऐसे करते 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 कभी कभी जान बुझ कर कोई चीज दे देती है, ला कर उसको दे देती है, हाँ? ऐसे करते 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 उसने इतने फंसा लिया उसको, ऐसे फंसा लिया उसका भजन भजन सब चौपट चौपट, सारे भजन भजन चौपट, अभी भगवान का स्मरण नहीं हो रही, अभी दिन रात अभी उसी की चिंतन हो रही, उसी की चिंतन हो रही है। अभी मंदिर में भाई पुजारी है, वो क्या करता है मंदिर का कोई अच्छा चीज हो ना, उसको पास में भेज देती है, उसको पास में भेज देती है, हाँ, ठाकुर को सेवा की वो भेज देती है। अभी लेकिन भक्ति तो करने वाले, ठाकुर को भक्ति करता है, भजन करता है, ठाकुर की सेवा पूजा तो करता है, ठाकुर भी ठाकुर का भी चिंता रहता है, मेरे भक्त है, मेरे भजन पूजा कर रहा है। अभी ठाकुर जी को तो चिंता हो गया, देखो पहले कितना मेरा भजन करता था, दिन रात मेरे चिंता, मेरी भक्ति, मेरी हैं डूबा रहता था सेवा में, अभी देखो मेरी सेवा छोड़ करके वैशाली सेवा में लग गया। अभी छुपा छुपा कर उधर भेज देता है, वो कुछ दे जाती है, ऐसे करते करते अभी ठाकुर जी ने चिंता किया, उसको क्या करनी चाहिए, बोले जब तक डंडा नहीं पड़ेगा ठंडा नहीं होगा, हाँ इसको डंडा पड़नी चाहिए। इतने में ठाकुर ने किया कि ठाकुर का जो सोने की जो बर्तन था ना, सोने की बर्तन थी, ठाकुर स्वयं चुरा करके अपना वो बैस्या उधर में रख दिए। सवेरे पुजारी ने देखा ठाकुर को सोने की बाटी कटोरी खत्म, हाँ कटोरी प्लेट खत्म, तो उसने जा करके राजा को बोल दिया, महाराज ठाकुर जी के सोने की बर्तन चोरी हो गई। राजा सीआईडी लगा दिया, देखो कहाँ सोने के बर्तन चोरी हो गई, ढूंढते ढूंढते मिला वो बेसिया के पास, तो सीआईडी पता लगाया, भैया इसको साथ में किसका संबंध, देखा पुजारी का संबंध, इसको साथ में पुजारी का संबंध। अभी राजा पुजारी को बुलाया, बोले तू उसको घर में जाते हो, उसको घर में तू जाते हो, बोले हाँ, बोले लोगों ने देखा तू उसको घर में जाते हो, तो उसको घर में ये सोने की प्लेट कटोरी मिला कहाँ से, उसको घर में किसने पहुंचाया, तुमने चोरी करके वेश्या को दिया और हल्ला मचाया, ठाकुर का सोने की बर्तन चोरी हो गई, बंद कर दो उसको जेल में। अब इसको जेल में बंद कर दिया, जेल में बंद कर देखने किसी ने तो किया ही नहीं, हाँ ये किया ही नहीं। अभी जेल में बैठे बैठे करके बोले हे भगवान, कहाँ मैं भगवान की भक्ति करता था, पवित्र मन में एक मन से भक्ति करता था, और कहाँ इसने मेरे को धीरे धीरे फंसाया, और मैंने इसको चोरी नहीं की, और इसको साथ में संबंध रहने का नाते अभी मेरे को जेल में जीवन बिताना पड़ रहा। अभी तो खूब रो रो करके ठाकुर को बुलाए, ठाकुर जी मेरे को बचाओ, ठाकुर जी पता नहीं किसने चोरी की, मेरा कैसे इंजाम हो गया, दुनिया में बदनाम हो गया पुजारी का, हाँ जैसे ऐसे ऐसे पुजारी करता है। खूब रोए, खूब गिड़गिड़ाए, जब गिड़गिड़ाए ठाकुर जी ने देखा सही हो गया, इसने सही हो गया है, अभी उसका सारे संबंध खत्म हो गया है, और समझ गया उसको साथ में संबंध होने का नाते मेरी इतना बदनाम हुई। फिर ठाकुर जी राजा को स्वप्न दिलाया, सारे बात बताया, ये कहीं फंस गया था, इसलिए उसको निकालने के लिए मेरे को अपना बर्तन चोरी करके घर उसको घर में रखना पड़ा, ये शुद्ध पवित्र अब इसको छोड़ दो। फिर उसको बाद में फिर उसने सब छोड़ छाड़ कर पवित्र होकर के भगवान की फिर भजन करने लगे। इसलिए भगवान पर दया आसला कि सी ये फसी गला जिते भगवान भजन विचित होगा जिते सी तो भगवान भक्ति कला जिते भगवान तो सर्वसमर्थ भगवान तो सब जाना जिते सी फसी आरम भगवान से रक्षा कला जिते फसी गला जाए से भगवान दया आसला उसको शिक्षा ही नहीं मिलता पहले अगर हो जाता उसको शिक्षा ही नहीं मिलता लोगों की जो कथा हमें भी शिक्षा नहीं मिलता अगर वो नहीं करते ना कभी कभी साधुओं को भी शिक्षा नहीं मिलता इसलिए एक काज करने प्रभु काज करने पांच साल भगवान तो एक ही काम करते हैं और एक काम को तरफ पांच सात सिखा दे देते हैं लेकिन करते ही एक लीला हाँ अगर ऐसे लीला नहीं होता हम सुनते रहते फिर उसको अंदर में धिकार कैसे आता आत्मग्लानी कैसे आता वो आता नहीं आत्मग्लानी उसको भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं स्वतंत्रता को अव्यवहार कर सकता है और स्वतंत्रता तो अच्छा व्यवहार कर सकता है भगवान
स्वतंत्रता पर में भगवान कभी हस्तक्षेप नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं, बोले तुम जैसे करना कर लो, कर लो हैं, फिर फल जैसे करना भोग लो मैं दूंगा। इसलिए भगवान एक काम करके दस पांच शिक्षा दे देते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, इसलिए कहते जो कोमल श्रद्धा है, कोमल श्रद्धा हर समय उसकी विपत्ति, कोमल श्रद्धा। इसलिए प्रभुपाद कहते हमारे आदर्श चरित्र अन्य लोग जाते अन्य प्रकार दर्शन ना करे, हमारी आदर्श चरित्र होनी चाहिए, जैसे दूसरे लोग हमारे ऊपर कोई अंगुल नहीं उठा पाए। इसलिए प्रभुपाद से विचार देते कहते पार्थिव असुविधाए भक्तेर की कर्तव्य, समझ रहे ना, पार्थिव असुविधाए भक्तेर की कर्तव्य। कहते पार्थिव असुविधा मतलब है संसार में, ये संसार में जो असुविधा है दिक्कत है, इसमें इसमें भक्त का क्या कर्तव्य है, भक्त का क्या कर्तव्य है, जो संसार का क्षेत्र में जो असुविधा है इसमें भक्त, ये जो ये प्रभुपाद बहुत बढ़िया प्रश्न है, जो ग्रंथ है ना समूह से अद्भुत अमृत है, ये अद्भुत ग्रंथ है, क्योंकि प्रभुपाद को भक्तों का जीवन में जो जो चीजें आई कभी है, तब प्रभुपाद का अलग अलग समय पर उन्होंने प्रश्न किया है। हम जो भजन करने जाते हैं वो कब कब कैसे कैसे जीवन में विपत्ति आती है, और भक्तों को अलग अलग विपत्ति आती है, इसलिए उन्होंने क्या क्या अलग अलग समय पर प्रश्न किया है। इसलिए कहते देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, कहते समस्त भगवत इच्छा, जो कुछ होता है हम कहते ना भगवान की इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता है, जो कुछ होता है ठाकुर की इच्छा से होता है, इसके इच्छा के बगैर जगत में कुछ नहीं होता, सब कुछ ठाकुर जी की इच्छा। सुतराम असुविधा उपस्थित सहनशील है या भगवत करुणार प्रतीक्षा व्यतीत आर उपायंतर नाही, बुझवार से सब ये बंगला भाषा है इसलिए मेरे को भी कठिन होता है, बहुत कठिन है। कहते सुतराम असुविधा उपस्थित सहनशील है या भगवत करुणार प्रतीक्षा करा व्यतीत आर उपायंतर नहीं। कर जीवन में जब कोई दिक्कत आती है, जीवन में जब कोई दिक्कत आती है उसमें क्या होता है, जो सहनशीलता है ये एक बहुत बड़ी, कहते भक्तों का जो सहन, इसलिए महाप्रभु कहता त्रिनादपि सुनिश्चेन तररपि सहिष्णुना अमानी नांग मान देन कीर्तनीय सुधारी है। इसलिए कहते चारी गुणे गुणी हया कर कीर्तन, चार गुण में गुणी होकर के भगवत कीर्तन करने चाहिए। पहला नंबर क्या है, बोले घास से भी ज्यादा दीन इनकी, इस घास को पैर रख लो सर तो नीचा कर देता है, जब फिर पैर उठा फिर सर नीचा कर ऊंचा कर देते हैं, बोले उससे भी ज्यादा दीन इन। और पेड़ जैसे सहन शक्ति बनो, पेड़ का जैसे सहन शक्ति होनी चाहिए है, पेड़ को काटो मारो जो भी कुछ करो है, कोई फल फलाए उठाया पत्थर मारे पेड़ को, लेकिन उसने क्या तुमको फल दे दिया, तुमने कुछ बोला ही नहीं, रास्ता में जा रहे हो बहुत गर्मी देखा पेड़ को नीचे टहनिया तोड़ दिया, उसका आसन बिछा कर बैठ गए, तभी वृक्ष बोला नहीं तेरे को हम छाया नहीं देंगे, तभी वो छाया में देती है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं सुतराम सुतरा असुविधा उपस्थित है सहनशील हैया भगवत करुणा प्रतीक्षा व्यतीत आर उपायंतर नहीं। जब जीवन में कोई दुख कष्ट आता है क्या होता है, सहनशील होकर के हमको सहन करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं ना जो सहे सो रहे, और जो ना सहे वो नाश हो, जो ना सहे वो नाश हो। हमारे जो भक्ति रंजन सागर महाराज ज्यादा करके बात बोलते थे, मतलब जो सहे सो रहे, जो नाश है वो नाश है। इसलिए प्रभुपाद का जो अंतिम उपदेश है कहते सत लांछना सत गंजना सत अपमान सुन करके भी हरि भजन नहीं छोड़ना, ये प्रभुपाद का अंतिम उपदेश है, प्रभुपाद का अंतिम उपदेश सत लांछना। लेकिन क्या होता है जानते हो,
संसार का सारे दुख कष्ट को सहन करते, संसार की सब सेवा हम ही करते, संसार जो जो मालिक करता है लेकिन सबका गाली सुनता है। घर में जाते ही पत्नी का तो पहले गाली सुनना पड़ता था, अभी तो क्या कर रहे थे, बच्चे को ट्यूशन करना, बच्चे को ले जाना घर में, सब्जी नहीं ये लाया नहीं, सारा दिन काम करते करते आया, जब घर में आया सबका गाली सुना, सब गाली, अगर बच्चे को टाइम से अगर कुछ कपड़ा फोड़ा नहीं दे पाए उसका भी गाली सुना, अगर बेटी को नहीं दे पाए उसका गाली सुनो, सबका गाली सुनना पड़ता है, पड़ता ही नहीं संसार में, सबकी सेवा करो और सबका गाली, ऐसे नहीं कोई गाली नहीं देता, सबकी गाली सुनना पड़ता है संसार में, सुनना पड़ता है कि नहीं, प्रभु जी को बताओ पढ़ना था, सबका सेवा करो और सबकी गाली खाओ, हैं सबकी गाली खाओ, सबकी डंडा सबका खाओ सबको, और सबकी अपमान सहन करना पड़ो। अब देखना संसार में है, हमने एक परिवार था, उसकी परिवार ने उसको बेटी को पढ़ाया लिखाया बहुत कुछ किया, शादी करवा दिया, कहीं शादी करवा दिया, शादी करा दिया, लेकिन वहाँ पर ससुर घर में थोड़ा लड़ाई झगड़ा, आप सोच नहीं सकते, हमारे परिचित व्यक्ति था, उसका बेटी इतने गाली दे रहा था, कहाँ तुमने शादी करा दिया, हमको नरक में फेंक दिया तुमने हमें, हाँ, और ऐसे ऐसे गंदी गंदी गाली देती थी ना, तो सोच नहीं सकते हो, ऐसे भैया पिता ने कोशिश किया तुमको अच्छी जगह पर शादी देने के लिए, अगर वहाँ पर ये क्या कर सकता है, तुमने हमारे जीवन बर्बाद कर दिया, हमारे जीवन सत्यानाश कर दी, नरक में तुमने डाल दिया, हाँ, इसलिए सबका सबका सेवा करो और सबकी गाली खाओ। लेकिन आश्चर्य की बात है, भद्र जी उसका गाली खा लेगा, सहन कर लेगा, लेकिन गुरु वैष्णव का गाली खा नहीं सकते, गुरु वैष्णव गाली खा ही नहीं सकते, उसका गाली खा नहीं सकते, लेकिन संसार का सबका सेवा कर सबका गाली खा, लेकिन गुरु वैष्णव गाली खा नहीं सकते। ये जीव का बड़ा हमारे सागर महाराज, हमारे जी गुरुदेव थे, कभी डंडा को डंडे में मारे, अरे डंडा में मारे तो डंडा टूट गया, डंडा टूट गया, हमें गुरुदेव ऐसे सागर महाराज को, तो अभी वो सागर महाराज हमारे आचार्य जो कहते हैं गुरुदेव का डंडा खाया तो इसलिए मैं जीतता हूँ। अभी आचार्य है ना, आचार्य हमारे मंदिर के, बोले डंडा खाया था मैं आचार्य बना, महाराज खुद कहते हैं, इसलिए गुरु वैष्णव का कहते हैं गौड़ी मठ में क्या जल जल डाल और पतला डाल, हाँ और गाल गाल, हाँ कहते गौड़ी मठ में रहना तो जल जल डाल, पानी जो देना, कितना लोग आ गए, अरे 50 लोग कितना था, अभी हो गया 100 लोग, पानी डाल डाल में नमक पानी डाल दो मिला दो, हाँ इसलिए डाल जल जल डाल और वैष्णव का गाल डाली, कहते दो चीज खा लिया ना बस फिर तो भजन कर सकते, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कहते असुविधा ऊपर सहनशील हैया, सहनशील हैया भगवत करुणार प्रतीक्षा व्यतीत आर उपाय तर नाई, इसलिए कहते सहनशील होकर के भगवान की जो करुणा की प्रतीक्षा करना पड़ता है। कहते नृसिंह देवर सर्वक्षण ही भक्त गण ही नाना प्रकार अमंगल है ते रक्षा करे, कहते भक्तों के ऊपर में कोई विपत्ति आती है हमें फिर कौन रक्षा करने वाले, भगवान नृसिंह देव, हर समय भक्त लोग नरसिंह देव का स्मरण करते हैं क्योंकि नरसिंह देव ने भक्तों के ऊपर में प्रहलाद के ऊपर जो जब जब कोई विपत्ति आई इसलिए हर समय किसको स्मरण किया, नरसिंह देव को, हमने देखा हमारे गुरुदेव को मठ में भी, हाँ कोई भी अगर कोई दिक्कत हो मठ में कोई दिक्कत हो, मैंने देखा हमारे जो नृसिंहपल्ली है ना, जो नृसिंहपल्ली है वहाँ पर अभी वहाँ पर जा करके नरसिंह देव को जा करके खीर भोग लगा कर आते हैं, अब विशेषकर मठ मंदिर में आती है, जैसे देखो पास वाले गड़बड़ी करते हैं, पूरी में भी आकर के पिटाई करके गई, हाँ वो ब्रह्मचारी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, मैंने देखा जहाँ पर मंदिर ही होता है ना आसपास में कुछ लोग ऐसे होते हैं, हैं हमारे पूरी मठ में भी सामने एक था, वो इतने राक्षस था, राक्षस जैसे व्यक्ति था वो, मंदिर का ना मंदिर का कोई अच्छा चीज देख नहीं सकता था और ऐसे काली उठा पर करता था, लास्ट में वो मर गया मर गया वृंदावन में, इसलिए वृंदावन में साधु महाराज जो बगल में था वृंदावन में हमारे जो हमारे गुरु जी का मठ उसको नरसिंह भगवान की फोटो को चप्पल से मारा रख करके नीचे रख करके फोटो, जब 7 दिन में मर गया, 7 दिन महाराज बताते मर गया, अभी तो वो बहुत डरते हैं वो लोग, अरे बाबा बंगाली बाबा का जादू है कुछ करते चुप रहते अरे हमारे जो रूप सनातन मठ का जो एकदम बगल में था वो बदमाश, इतने दुष्ट इतने, हाँ बदमाश,
अभी भी तीर्थ महाराज जो है पैसा 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 अभी फिक्र करता है, इसलिए इसलिए कहते हैं लेकिन भक्तों के ऊपर में कोई विपत्ति आए हमारे पास में भी नरसिंह भगवान का करना पड़ेगा। कहते नृसिंह देवर सर्व खण भक्त गण नाना प्रकार अमंगल रक्षा हरित करे, इसलिए नरसिंह देव भक्तों का सारे अमंगल को दूर करने वाले कौन है? नरसिंह भगवान। सूत्र हमारे भक्ति ते अवस्थान हईले ही निजेर पोषण रखण चिंता थाके ना। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि जब हम हर समय भगवान की भक्ति में हाँ अवस्थान हर समय भगवान की भक्ति करते हैं फिर क्या होता है, भक्त लोग कभी भी अपना पोषण रक्षण की चिंता नहीं करते हैं, कैसे हम खाएंगे कैसे हमारे रक्षा होगा, वो किसको ऊपर छोड़ देते हैं? ठाकुर जी की ऊपर में छोड़ देते हैं, भगवान की ऊपर में छोड़ देते हैं। मित्र एक व्यक्ति का देखो संसार में एक व्यक्ति अपना परिवार को चलाने के लिए कितना कष्ट नहीं करते हैं, मतलब कितना कष्ट नहीं करता है, आठ आठ दस दस घंटा काम करता है, पति भी काम करता है, पत्नी भी काम करती है, बच्चे भी काम करते हैं, सबके सब परिश्रम करते हैं, इतने परिश्रम। लेकिन हमारे मंदिर में देखो भिक्षा में इतना चीज आ जाता है और कितने बड़े बड़े यहाँ उत्सव हो रहा है, कितने बड़े बड़े उत्सव हो रहा है और इतने प्रसाद लोग आ रहे खा रहे हैं, उत्सव हो रहे हैं और इतने इतने बड़े बड़े उत्सव होते हैं, किसी घर में दो चार व्यक्ति आ रहे पागल हो जाते हैं, कैसे खिलाएगा पिलाएगा, और मंदिर में इतने लोग आ रहे खा रहे प्रसाद पा रहे जा रहे, कोई चिंता नहीं, देने वाले कौन है? ठाकुर जी, ठाकुर जी। इसलिए कहते जी भक्त लोग अपना रक्षा और अपना पोषण की चिंता नहीं करते, ठाकुर जी के ऊपर में छोड़ देते हैं, ठाकुर जी के ऊपर में। इसलिए कहते चिंता था के ना भगवत प्रपत्ति क्रमे माई की जगते अमंगल समूह निश्चित है। लेकिन जब हम भगवान के चरण में संपूर्ण रूप में शरणागत हो जाते हैं, ठाकुर चरण में प्रपत्ति हो जाते हैं, ये माई की जगत का जितने अमंगल समूह ये सबके सब नष्ट हो जाता है। क्यों? भगवान स्वयं प्रतिज्ञा करते हैं कौतः प्रतिजानी न मैं भक्ता, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। भगवान स्वयं शरणागत भक्तों को भगवान हर समय रक्षा करते हैं, इसलिए लेकिन इतना ही हमें अभी ठाकुर जी के चरण में शरणागत होना पड़ेगा, फिर तो ठाकुर जी सारे काम अपने आप करेंगे। हैं जैसे जैसे भीष्म ने जब कौरव पांडव में युद्ध हो रहा था एक दिन दुर्योधन पितामह भीष्म को बड़ी खारी खोटी सुना दी, बोला आपको हम सेनापति पद में नियुक्त कर दिया, लेकिन आप देख रहे अर्जुन कैसे कितने हमारे सैनिकों को मार रहा है, हा? कितने सैनिकों को मार रहे हैं, लेकिन आपने क्या प्रतिज्ञा की पंच पांडवों को आपको मारेंगे नहीं, हमारा तो मूल शत्रु वही है, मूल शत्रु तो यही है, और आप बोले सबको मैं मारूंगा उनको नहीं मारूंगा, हमने गलती से आपको सेनापति पद में नियुक्त कर दिया, आपको नहीं करना चाहिए, तो बड़ी खारी खोटी सुना दिया। अभी ताव आ गया पितामह भीष्म, बोले ठीक है कोई चिंता नहीं, कल हम पंच पांडवों को समाप्त कर देंगे। उन्होंने पांच बाण बना के कल पंचपाटा खत्म। अभी दिन भर युद्ध हुआ तो पंच पांडव सारे को सारे सैनिक सो रात को अचेत होकर सोते, कुछ सवेरे जाकर फिर युद्ध करना पड़ेगा, सबके सब सोए पड़े हुए, लेकिन सबके सब तो सोए पड़े हुए, सबके तो सो रहे लेकिन एक व्यक्ति का नींद नहीं आ रही, ठाकुर जी को नींद नहीं आ रही, कृष्ण इधर से उधर जैसे बहुत जरा कोई चिंता हो जाए ना, हम इधर से उधर कृष्ण बेचैन हो रहे, प्लानिंग कर रहे क्या क्या जाए, भक्तों को कैसे बचाया जाए, मेरे भक्तों को मैंने प्रतिज्ञा किया मेरे भक्तों का विनाश नहीं, भगवान को चैन नहीं, बेचैन भगवान किसलिए बेचैन है, अपना भक्तों को रक्षा करने के लिए। अभी उन्होंने कहे अर्जुन सो रहा था, उनका हाथ पकड़ पकड़ हिलाए, बोले अर्जुन उठो अभी सोने का समय नहीं। अर्जुन ने कहा क्यों मेरे को परेशान कर रहे हो, दिन भर युद्ध करते थक गया, फिर कल युद्ध करना पड़ेगा, इसलिए क्यों मेरे को परेशान कर रहे हो, बोले तुमको पता है, बोले क्या है, बोले पितामह भीष्म ने पांच बाण बनाया और उन्होंने प्रतिज्ञा किया कल तुमको खत्म कर दे, अच्छी बात है खत्म हो जाएंगे, फिर परसों नीच पर का हेडिंग में आ जाएगा कृष्ण का पांच भक्त थे मर गए, यही तो चिंता में खा रहे हैं, मैंने प्रतिज्ञा किया मेरे भक्तों का विनाश नहीं, युद्ध से पहले कुंती मेरे को
तुमको ला करके मेरे को दे दिया, बोले मैं अपना 5 बच्चों को दे रहा हूँ, ये तेरे को हवाला कर रहा हूँ, तो देखना मैंने बताया विश्व ब्रह्मांड प्रलय हो जाए लेकिन पर 5 बच्चे मरेंगे नहीं, मैंने प्रतिज्ञा किया। मैं बोले उस दिन उठो सोने का समय नहीं, तो इतने में बताया बताओ क्या करना पड़ेगा, बोले तुमको याद है जिस समय ये चित्र है, जिस समय तुमको दुर्योधन को गंधर्व लोग बांध करके ले जा रहे थे, बांध करके ले जा रहे थे, तुमने दुर्योधन को बचाया था याद, बोले याद है, बोले दुर्योधन ने कहा था ना वरदान के लिए, बोले हाँ, बोले तुमने बताया जब फुर्सत होगा मांग लूंगा, बोले हाँ, बोले अभी मांगने का समय, बोले बताओ क्या करना पड़ेगा, बोले केवल उसका वस्त्र मांग कर लिया, उसके बाद ना सब काम हो जाएगा। पास हो गया अर्जुन, जब गया अर्जुन को दुर्योधन तो कांप उठा, उसको पता कल 5 पांडवों को मारने वाले पितामह भीष्म से 5 बाण मांगने के लिए आया गया। हाँ, मैंने कहा जब जरूरत मांग लेना, बोले क्या पता तुमको क्या चाहिए, बोले केवल तुम्हारी ड्रेस को दे दो, दुर्योधन बोला भाई बच गया, बोले ड्रेस मांग ले और कुछ मांगा नहीं, पास ड्रेस मांग करके बोले अभी जाओ पितामह भीष्म भजन कर रहे थे, भजन से उठेंगे ना तुम, थोड़ा गला को बदला करके बोलना आप क्यों मारोगे 5 पांडवों को, जगत में बदनाम होगा, अपने अपना बच्चों को मारे, इसलिए अब 5 बाण मेरे को दे दो, मैं ही मार लूंगा, बात कितना काम कर लो। और वो ड्रेस ऐसे है, वो ड्रेस पहन करके जो जाए ना उनको लगेगा रात को जो तो शायद वही है, अब वो ड्रेस दुर्योधन का ड्रेस था, हैं पहन लिया अर्जुन और जा करके उन्होंने पास गला का टोन बदला कर 5 बाण बांध कर ले आया। पितामह भीष्म बोले तुम्हारे बचा लिया, जगत का बदनाम हो जाता मेरा, मैंने प्रतिज्ञा किया 5 पांडवों को नहीं मारेंगे, क्यों बेटे को बेटे सब गए ना, मैंने मेरे को बच्चा दिया बात, और जो 5 बाण लेकर के आगे थोड़ी देर बाद में आया कौन, दुर्योधन आया, जो दुर्योधन आया पितामह भीष्म ने कहा तुमने अच्छा काम किया हो, 5 बाण तुमने ले लिया, तुम मार लोगे तो मेरा कोई चिंता नहीं, बोले कौन सा 5 बाण, बोले तो अभी अभी आया था ना, अभी अभी तो लेकर गया, बोले मैं कब आया, मैं तो आया नहीं, बोले तू आया तो तेरा ड्रेस था, अर्जुन इसलिए मेरे ड्रेस को मांग करके ले आया 5 बाण लेकर बस खत्म। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो भगवान है, हाँ भक्त वत्सल है, जो भगवान के चरण में जो शरणागत भक्त है, भगवान उसको हर समय उसको रक्षा करते हैं, लेकिन कमी इतना है भगवान के चरण में हमें शरण में जानी चाहिए, लेकिन क्या होता है हम तो दुनिया की शरण में चले जाते हैं लेकिन प्रभु का चरण में शरणागत होना हमारे लिए कठिन होता है, जो देने वाले हैं रक्षा करने वाले कभी कभी इनकी शरण में नहीं आ पाते हैं, लेकिन कभी दुनिया की शरण में हम दुनिया की शरण में चले जाते हैं लेकिन ठाकुर का प्रति हमारे विश्वास नहीं होता है, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं विश्वास किसको पर करनी चाहिए, ठाकुर जी के ऊपर विश्वास करो, ठाकुर के ऊपर विश्वास करेंगे रक्षा करने वाला तो वही है, जगत में उसके सिवाय कोई रक्षा कर नहीं सकती। ठीक है, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।